सिपेन, सिपी, सिपेन, जल्दी आओ यार, आ जाओ यार। वो टाइगर की तबीयत सही नहीं है, उसने खाना भी नहीं खाया और उसके पेट में गैस भरी हुई है, उसके पेट में गैस भरी हुई है, ज्यादा खराब। वो जैसे हमारे मुफासा के पेट में नहीं गैस भर गई थी, सेम वो फूला सा हुआ है यार। जल्दी आओ तुम, जल्दी आओ। ये देखो यार, ये देखिए हमारा टाइगर ना आज काफी चुप चुप सा, इसने खाना भी नहीं खाया और पेट में गैस भरी हुई है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हाँ ये देखे ना, बिल्कुल नहीं खाया दोस्तों इसने खाना, वैसे के वैसे मैंने रख दिया फिर इसके बर्तन में। ले चलो ना फिर इसको डॉक्टर के पास ना। हाँ, और क्या? चलो ऐसे ही करते हैं यार, उठाओ इसको, उठा लो, नीचे ना गिरे। आ जाओ टाइगर, आ जाओ, शाबाश, माशाल्लाह यार। जेट बॉक्स, जेट बॉक्स सीधा करो, जाओ टाइगर अंदर जाओ, अभी जाओ ना थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। सिपते बंद करो इसको, बंद करो, थोड़ी देर के लिए चले जाओ, फिर बाद में तुम्हें खोलेंगे, आजाद करेंगे। हाँ हाँ बंद कर दो, बंद कर दो दरवाजा, बंद कर। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो अभी दोस्तों हम टाइगर को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं, दुआ कीजिएगा हमारे टाइगर बिल्कुल ठीक हो जाए, खाना वगैरह वो खा ले और उसका जो पेट के अंदर गैस है वो उसका निकल जाए सारे का सारा। लास्ट टाइम हमारे मुफासा के साथ भी ऐसे ही हुआ था, पेट से गड़बड़ हुई थी। बहुत डर लग रहा है यार मुझे, क्यों शोर कर रहे थे पता नहीं, हम ऊपर गए ना, उन्होंने हमारी आवाज सुन ली। फिर चलो यार डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर आपसे मिलते हैं। चलो सिपी, चलो क्या हुआ उसको, आवाज किस चीज की थी? देखो देखो देखो, खुल तो नहीं गया, देखो टाइगर, ओए गिर गया सिपी, ओए एक मिनट, क्या यार तुमने डिग्गी क्यों खोली है? ठीक है ना? हाँ अब सही है। तो फाइनली दोस्तों हम क्लिनिक पर पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से जाते हैं अंदर अपने टाइगर को दिखाते हैं। हाँ भाई तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, चलो आ जाओ। तो यार हमारा टाइगर ना बहुत ज्यादा गुस्से में आया हुआ, इसकी इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करने भी नहीं दे रहा। अब इसने एक प्लास्टिक पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा, और जो ही इसके पास आते हैं ना हम, ये हमें पंजे मारना शुरू कर देता है। छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, मेरे लिए ठीक नहीं है ये। अबे छोड़ दे ना यार, यार ये नुकसान दे सकता है, इसको गुदगुदी करे, छोड़ ही नहीं रहा यार प्लास्टिक को, ये खून मैं निकाल सकता हूँ इसको। बोलो टाइगर को चेक करा ले, डॉक्टर ने कहा इसको ना एक और क्लिनिक है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स का जो है ना ट्रीटमेंट होता है, तो हम वहाँ पर इसको लेके जाएंगे, मजीद इसका चेकअप कराएंगे, क्योंकि इसका टेम्परेचर डाउन है और इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, तो वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं वो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। ये देख रहे हो इसने नाखून मारा था मुझे अभी से भाई। तो यार हमने टाइगर को वापस गाड़ी में रख दिया है, अब हम सीधा जा रहे हैं दूसरी क्लिनिक पर। चलो सिपेन जल्दी जल्दी यार, इसका टेम्परेचर भी डाउन है यार, मुझे टेंशन हो गया बहुत ज्यादा। चलो बात नहीं यार, सही हो जाएगा, डॉक्टर का इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चेक करा लो इसकी ग्रोथ क्यों हो रही, फ्यूचर में इसको इतना मसला ज्यादा हो सकता है इसके लिए। चलो चलो यार सीधा जाते हैं वहां पर और वहां पर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों काफी टाइम से हम सफर कर रहे हैं, अभी तक हम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे और काफी टाइम गुजर चुका है, शाम भी होने वाली है। देखें सूरज ग्रूब होना शुरू हो रहा है, पीछे से हमारे टाइगर ने सारी सीट भी खराब कर दी है, पर देखें सारा यहाँ पर ये लिक्विड लिक्विड देख रहे हैं ना आप, ये टाइगर का है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, टेंशन नॉट ब्रो। हाँ यार बस चलो चलो, हम तो अपनी तरफ से यार पूरी कोशिश करते हैं कि कोई हमारा पेट बीमार हो उसको ना जल्दी से डॉक्टर को दिखाएं और वो ठीक हो जाए। पहले तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि बीमार ना हो, लेकिन जब हो जाते हैं तो फिर फौरन फौरन चले जाते हैं यार, काफी टेंशन होते हैं दोस्तों मुझे। अच्छी हॉस्पिटल है बहुत बड़ी माइल्ड की ना, तो मुझे लगता है अच्छा इलाज करेंगे वो लोग, अल्लाह केयर करेगा। चलो ओ देखो यार सिप्पी, ये ज़ू है यार, यहाँ पे भी चलते हैं देखते हैं। हाँ पहले चेकअप तो कराए, ये हॉस्पिटल है ना जानवरों का सामने, हॉस्पिटल जाना जी जी, थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, अब जल्दी से जाते हैं और चेक कराते हैं। आ जाओ आ जाओ। तो अभी हम हॉस्पिटल के अंदर एंटर हो रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है आगे। चलो फोर के जी मुझे तो
तो यार अभी ना हमारे टाइगर का ना चेकअप हो रहा है मजीद, तो हम दोनों बाहर आ गए हैं, तो अंदर उसके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। हो गया तराब? हाँ हो गया। दिखाओ। टाइगर ये है हमारा भाई, इसको देखो पहले। हो गया चेकअप तुम्हारा? वो ड्रिप शेप किया होगा। चलो चलते हैं यार, जल्दी से घर में चलते हैं, तुम्हें छोड़ते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। तो दोस्तों टाइगर हमारे की ट्रीटमेंट हो चुकी है, सही है, और डॉक्टर ने जो जो बोला है मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर ने ये बोला है कि टाइगर की ग्रोथ सही नहीं हो रही, टाइगर जितने मंथ का है ना उतने मंथ का साइज काफी बड़ा होता है, आपका टाइगर छोटा है, ये बोला है उन्होंने। और दूसरा इसको पेट का इशू था, वो भी हल हो गया, इंशाल्लाह हो जाएगा, सिरप वगैरह दे दिया, ड्रिप स्ट्रिप दे दी है, सारा कुछ हो गया है, बाकी हमने 2-4 दिन के बाद फिर आना है इधर चेकअप कराना है। और दूसरा हमने इसके ब्लड टेस्ट भी कराए हैं, वो भी रिपोर्ट आ जाएगी 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद या पहले भी आ सकती है, खैर पता कर लूँगा, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो यार चलते हैं। तो भी दोस्तों हम जा रहे हैं सीधा घर, और टाइगर को जाकर खाना शाना देते हैं, क्योंकि इसने सुबह भी खाना नहीं खाया था। अब डॉक्टर ने यही बोला है कि इसको जाके 1 घंटे तक तकरीबन आप खाना दे सकते हैं, जाते जाते वैसे भी 1-1.5 घंटा गुजर ही जाएगा, क्योंकि काफी लंबा सफर करके आए हैं हम दोस्तों। अभी चलते हैं सीधा घर। चलो यार सिपी, देखो कैसे चिल्ला रहे टाइगर हमारा। यार इसने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया हमें, तो अब हमारा टाइगर घर आ गया है, इसको हम खाना देते हैं बस 10 से 12 मिनट के अंदर, और देखते हैं अब ये खाता है या सुबह की तरह करता है, फिर हम इसको बंद करके चले जाएंगे। अब ये खाएगा, दुआ करोगे ये खाना शुरू कर दे। चलो ले आओ उसको, आ जा भाई साहब खाना खा लो, अब खाएगा है ना, सुबह नहीं खाया था ना इसको, भूख लग गई होगी, इतना शरारतें किए, इतना लोगों को खाया काटा इसने, तो इसको भूख लगनी चाहिए क्योंकि इसने एक्टिविटी की है। हाँ भाई खा लो खा लो, शाबाश, अच्छी बात है, खाना खाते होते हैं, खा रहे हैं। अच्छा ये तो अच्छा साइन है, उसको भूख लग गई थी, सही है। तो माशाल्लाह से दोस्तों हमारा टाइगर खाना खा रहा है, चलो ये अच्छा साइन हुआ दोस्तों। बस आज सारा दिन हमारा ऐसे ही गुजर गया, टाइगर को हम चेक कराने गए पहले डॉक्टर आकाश के पास, फिर हम उधर चले गए नए क्लिनिक पर, सारा दिन गुजर गया, रात हो गई है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और काइंडली हमारे टाइगर के दुआ कर लीजिएगा कि हमारा टाइगर बिल्कुल सेट रहे, फिट रहे, इसको कोई मसला ना हो। इसकी ब्लड टेस्ट अभी रिपोर्ट आनी है, उसका भी वेट कर रहे हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, इजाजत, अल्लाह हाफिज। इधर आ रहे हो यार, सुबह भी कुछ नहीं खाया था तुमने, खाएगा खाएगा।